Hey guys, welcome to my new video. In this video, I am going to paint my denim jacket with some acrylic colors. So without wasting any time, let's jump into today's video. So guys, I am starting off with drawing or sketching the outline with white color pencil. मैंने व्हाइट कलर पेंसिल यूज़ की बिकॉज ये डेनिम पे विजिबल रहेगी एंड दिस इज़ अप्सरा कलर पेंसिल बिकॉज ये बहुत अच्छे से इस पे वर्क कर रही थी एज कम्पेयर टू अदर पेंसिल. सो आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप आउटलाइन डेनिम पे बनाना चाहते हो सो मेक श्योर यू यूज़ दिस काइंड ऑफ पेंसिल. एंड व्हाइट कलर अच्छे से विजिबल था सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट एंड द स्केच और मेकिंग द स्केच इज इन द इंटेंशन टू get the view or get the perspective about how my drawing is going to turn out at the end of the video or the at the end how will everything turn out. So ek bas visual karne ke liye visual ready karne ke liye main aap ek sundar si outline nikalungi and I am very confident this time because sab kuch bahut planned hai meko kaise chahiye. So I hope sab kuch bahut acche se aa jaye and fingers crossed. लेट्स स्टार्ट पेंटिंग द बेस नाउ. और मैं बेस पेंट कर रही हूँ एक्रैलिक कलर से. आई एम यूजिंग वाइट एक्रैलिक कलर टू पेंट एवरीथिंग. सो मैंने जितनी भी आउटलाइन बनाई है उसको मैं वाइट कलर से अच्छे से पेंट कर दूंगी एंड लेयर के ऊपर लेयर डालूंगी सो दैट बाकी के जो मैं कलर्स यूज करूंगी वो डेनिम पे डल ना लग जाए. बिकॉज होता क्या है कि अगर आप यही डल ब्लू पे जो डेनिम का है उसके ऊपर अगर कलर डालोगे तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा. जैसे मैं यहाँ पे वाइट पेंट कर रही हूँ तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ये मीडियम अलग है, ये पेपर नहीं, ये क्लॉथ है. इसलिए आपको लेयर के ऊपर लेयर पे काम करना पड़ेगा. सो मैं वाइट कलर से जितनी अच्छी से लेयर दे पाऊँ उतनी अच्छी दूंगी एंड उसके ऊपर मैं अच्छे से बाकी के कलर्स पेंट करना स्टार्ट करूँगी. फैब्रिक पेंटिंग में बेस पेंट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो अगर आप नहीं करोगे तो वो बाकी के कलर बहुत जल्दी सोक कर लेगा विच इज़ नॉट अ गुड साइन. एंड थिक कलर आप अगर यूज़ करोगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा फर्स्ट लेयर के लिए. सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वाइट कलर का फर्स्ट लेयर में थोड़ा सा पानी ऐड कर दो और बाद में उसके ऊपर और जब वाइट कलर के लेयर दोगे तो उसमें पानी ऐड नहीं करना है हमें, उसको हमें थिक देना है. सो लेट्स पेंट दिस बेस, लेट्स मेक इट परफेक्ट एंड उसके बाद हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे. बाय द वे आई एम यूजिंग फैब्रिक कलर्स और आप एक्रैलिक कलर्स भी यूज कर सकते हो बिकॉज दूसरे पोस्टर कलर्स एंड वो क्लोथ के ऊपर से निकल जाते हैं. सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज एक्रैलिक कलर्स फॉर दिस पेंटिंग. सो गाइज हुआ क्या, मैंने रिकॉर्ड किया बट वो क्लिप्स रिकॉर्ड ही नहीं हुई. लाइक आई नो दैट्स माई बैड लक बट कोई बात नहीं बिकॉज यहाँ पे मैंने बेस जैसे हमने व्हाइट कलर दिया है वैसे ही मैंने पिंक कलर भी ऐड किया है, दैट इज नथिंग बट बेबी पिंक. एंड यहाँ पे मैंने जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट किया, दैट्स द आईज. तो आईज के लिए मैंने एक गैलेक्सी लुक का ट्राई किया था कि ब्लू या फिर डार्क पर्पल बाहर से रहेगा एंड अंदर थोड़ा सा लाइट होते जाएगा एंड थोड़ा सा फील हमें गैलेक्सी का आना चाहिए. सो दैट्स वाई आई यूज ब्लू कलर हियर. सो आप भी ये स्टाइल ट्राई कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल. ब्लेंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा वाटर यूज करूँगी, ज़्यादा नहीं. एंड ऑल्सो आई यूज सम कलर टू ब्लेंड इट प्रॉपरली. शेडिंग थोड़ा सा टफ लग रहा था बट एक आई होने के बाद सेकेंड आई पे इट वॉज वेरी सिंपल. सो आप डेफिनेटली ट्राई करना. आप डेनिम का कोई पॉकेट भी ले सकते हो, अगर आपके पास जीन्स का पॉकेट है उसके ऊपर भी बहुत सही पेंटिंग की जा सकती है. सो आगे भी हम फैब्रिक पेंटिंग करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड गाइज एंड सब्सक्राइब करना. लाइक इट्स द ड्रिल, यू नो वॉट टू डू. लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. एंड रुको गाइज, अभी तक वीडियो बाकी है. जस्ट आई एम रिमाइंडिंग यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज नथिंग बट श्रुति आर्ट्स. सो So
सो गाइज, नाउ इट्स टाइम टू ऐड द मोस्ट फन पार्ट, जो है हमारी लीफ की प्रिंटिंग। मैंने एक नॉर्मल लीफ के ऊपर रेड कलर का या फिर क्रिम्सन पिंक कलर का पेंट किया है, एंड जस्ट उसको डेनिम जैकेट पे यहाँ पे अच्छे से पेस्ट करूँगी। दो तीन बार फेल गया, एज यू कैन सी जो पेंट है वो अच्छे तरह से जा ही नहीं रहा था, बिकॉज मैं लीफ पे बहुत कम पेंट लगा रही थी। सो आपको फैब्रिक पेंटिंग के लिए थिक लेयर लगाओ सो वो अच्छे से प्रिंट हो जाए। सो एज यू कैन सी आई एम ट्राइंग इट अगेन, एंड फिर मुझे थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग गया। एज यू कैन सी इट लुक्स ब्यूटिफुल। सो मुझे यहाँ पे फ्लावर्स एंड इसे रैंडम शेप से बनाना है, सो आई एम यूजिंग दिस एब्स्ट्रैक्ट शेप्स फ्रॉम लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। सो हियर इज द सेकेंड प्रिंट। लाइक दैट मैंने अलग अलग टाइप के शेप के लीव्स यूज किए। आपको अगर चाहिए आप वेजिटेबल्स भी यूज कर सकते थे, बट एज आई स्टे इन माई रूम लाइक एन हॉस्टल, सो यहाँ पे कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, कुछ भी अवेलेबल नहीं था, सो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई आउट विथ लीव्स। सो दिस आर सम प्रिंट्स ऑफ रेड वाइट। तो ये आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम डिटेल्स पे भी फोकस करेंगे। सो गाइज, अभी लीफ पे तो पेंटिंग हो गई, नाउ आई एम एडिंग द डिटेल्स। उसके लिए मैं पेंट ब्रश से डायरेक्ट एक क्यूट सा फ्लावर ड्रॉ करूंगी, एंड देन उसको हम वॉल्यूम भी ऐड करेंगे डार्क शेड से। सब पे मैंने लाइट पिंक कलर लिया है, एंड उसको हम बाद में डार्क पिंक ऐड करके, येलो ऐड करके थोड़ा सा और डेप्थ दिखाएंगे, एंड वही सेम प्रोसेस मैं उस साइड पे रिपीट करूंगी। और जो हमने लीफ प्रिंटिंग की थी वो मैंने ऊपर भी जो है आपको जैसे दिख रहा है ग्रीन कलर के जो लीव्स है वो भी सेम टेक्निक यूज की थी, कोई भी डिफरेंस नहीं। एंड लेयर के ऊपर लेयर स्टैक के, इसलिए वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इट्स वेरी सिंपल। अब अगर स्टेप्स के साथ जाओ, दिस पेंटिंग इज वेरी सिंपल, जस्ट मेक श्योर यू ट्रस्ट द प्रोसेस प्रॉपरली। सो गाइज, ये वाला जो पार्ट है पेंटिंग का, मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लगा। लाइक दिस पर्पल फ्लावर, जब मैं उसको स्टार्टिंग में कर रही थी मुझे ज़्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन द डिटेल, जैसे वो वाइट कलर का जो आगे मैं दूंगी वो सब चीज़ें, इट लुक्ड रियली रियली प्रिटी देन आई थॉट इट वुड बी। एंड एज यू कैन सी, मैं बस इसको अच्छी तरह से डार्क कलर करके उसको थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी, एंड देन थोड़ा लाइट करके उसको ब्लेंड करूंगी लाइक दैट, एंड उसके बाद हम डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। एज यू कैन सी आई एम जस्ट ट्रस्टिंग द प्रोसेस प्रॉपरली। अभी बारी आती है सबसे मेन चीज, दैट आर द डिटेल्स। तो डिटेल्स के लिए मैं फ्लावर के लिए वाइट पेंट यूज करूंगी, एंड उसके साथ एक छोटा ब्रश लेके उसको अच्छे से स्ट्रोक्स दूंगी। सारे पेटल्स को मैं सेम चीज करूंगी, एंड उसके साथ ही हम जो टीथ है स्कल के वहां पे भी हम डिटेल्स ऐड करेंगे। सो लेट्स ऐड देम, एंड डिटेल्स मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, ट्रस्ट मी। ये डिटेल्स होने के बाद द पेंटिंग वॉज ऑन नेक्स्ट लेवल, सो मेक श्योर यू टेक योर टाइम एंड डिटेलिंग करना, लाइक इट्स वेरी इसेंशियल फॉर फैब्रिक पेंटिंग।
So guys, I hope you love today's video, and if you do, you know the drill to like, share, subscribe and comment. And these are the final result. I hope you love them. I'll see you in my next video. Till that, bye bye and take care.